नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस। पटना में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज मिले, एक का करना पड़ा ऑपरेशन। जानिए क्या है लक्षण और बचाव के उपाय। बिहार में अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी यात्रा कर सकेंगे लोग, लॉकडाउन में बना है ये नया नियम। लॉकडाउन में माझी को बेरोजगारों की चिंता, सीएम नीतीश से 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग। सरकार पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा, गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार, तेजस्वी बोले जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन 3 दुकानों को खोलने की दी गई इजाजत, सभी डीएम को आदेश जारी। कोरोना काल में बिहार लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को सरकार देगी आर्थिक सहायता, ऐसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन। बिहार में लॉकडाउन का असर, सरसों तेल की कीमत में लगातार 4th दिन बढ़ोतरी, जाने नया रेट। मास्क नहीं पहनने पर 13 दिनों में 45,000 लोगों ने दी फाइन। बिहार में हर दिन पकड़े जा रहे हैं 4,000 लोग। पीठ और किडनी में दर्द की शिकायत पर वीरपुर से दरभंगा लाए गए पप्पू यादव, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। बिहार में ई लाइब्रेरी पर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी कैचअप कोर्स की सामग्री, चैट के जरिए शिक्षक देंगे सवालों के जवाब। बिहार में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में कल ब्लैक फंगस से संक्रमित 2 मरीज भर्ती हुए थे। दोनों मरीजों में से एक का ऑपरेशन करना पड़ा तो वहीं दूसरे की दवा से ही स्थिति सुधर गई है। डॉक्टरों के अनुसार यदि 24 घंटे की देरी हो जाती है तो जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद कुछ मरीजों को हो रहा है। बुधवार को एम्स और IGIMS में भी इससे संक्रमित 4 मरीज मिले थे। साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ क्लिनिक में भी इससे पीड़ित होकर मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पटना एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना के कारण बिना किसी डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉयड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। कोरोना काल में संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं। इसमें शुगर हाई होना, स्टेरॉयड का हाई डोज लेना, बिना एक्सपर्ट की निगरानी के डेक्सोना जैसे स्टेरॉयड की हाई डोज लेना बड़ा कारण बन सकता है। ब्लैक फंगस के लिए यह बड़ा कारण हो सकता है। पटना एम्स के डॉक्टरों के माने तो ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इस बार लोगों को थोड़ी सी राहत भी दी गई है और साथ ही साथ थोड़ी सी सख्ती भी बरती गई है। शादी ब्याह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी और दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है। इस लॉकडाउन में जो लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए नए नियम बनाए गए हैं। बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट साथ रखना होगा, तभी वे ऐसा कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार कई चीजों में छूट दी गई है। बाहर से आने वाले यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ जा सकते हैं, साथ ही निजी वाहनों को भी छूट दी गई है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहनों को भी ई पास जारी कर सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी से जूझ रहे बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। मांझी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बिहार के बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि सूबे के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे। गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशों का अंबार देखा जा रहा है। इस घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकार को निशाना बना रही है। बिहार में भी RJD लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है।
ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमला बोलते हुए लालू ने लिखा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटो, अपनी जीवनदायिनी गंगा माँ को बचाओ। उधर तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना की टेस्टिंग पर सवाल उठाया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपकी सरकार कारिस्तानियों से अनभिज्ञ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सारी रिपोर्ट्स आखिर आपके दावे के विपरीत क्यों होती है? आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर कृपया राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। तेजस्वी ने आगे लिखा कि WHO व ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसके कुल जांच का 70% होना चाहिए, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार ठीक इसके विपरीत मात्र 25-30% RT-PCR जांच कर रही है। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि पिछले माह की तुलना में 41% कटौती है, जबकि निगेटिव रेट 20% है। बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इस बार लोगों को थोड़ी सी राहत दी गई है। अब राज्य सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। इसे लेकर सभी जिलों के SP और DM को पत्र लिखा गया है। बिहार सरकार की ओर से चिकन, मटन, मछली और अंडे की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। राज्य में अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन सामानों की बिक्री की जा सकती है। मत्स्य विभाग की ओर से जारी नया नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में मटन, चिकन, मछली और अंडा की खरीद बिक्री पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगी। मत्स्य विभाग ने कहा है कि मछली, मुर्गा, मांस और अंडा की बिक्री निर्धारित समय सीमा के अनुकूल खुलेगी और इनके आवागमन तथा मत्स्य शिकार माहे की छूट रहेगी। इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी जिलों के DM और SP को निर्देश दिया है कि मछली, मुर्गी, मांस और अंडे के वाहनों का आवागमन भी बाधित न हो, यह सुनिश्चित करें। कोरोना के दौरान बिहार लौटे प्रवासी व स्थानीय कामगारों को विशेष अनुदान का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का निबंधन होगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर ऑफलाइन निबंधन करने का निर्देश दिया है। पिछले साल प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार ऑफलाइन किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले हर मजदूर की स्क्रीनिंग भी हो सके। वहीं दूसरी ओर काम दिलाने के लिए गांव-गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी श्रमिकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आराम से मिल सके। विभाग की ओर से श्रमिकों के लिए लगभग 22 से अधिक योजनाएं हैं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है और वह योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का निबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में खाने वाले तेल के दामों में भी आग लगी है। महज 4 दिनों में 15 रुपए सरसों का तेल महंगा हो गया है। दिसंबर 2020 के बाद से ही तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पहली बार सरसों का तेल 185 रुपये लीटर पहुंच गया, जबकि रिफाइंड भी 166 से 170 रुपये के बीच बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरहर और मसूर की दाल की कीमत भी 20% तक बढ़ गई है। आमतौर पर 80 रुपये किलो बिकने वाला डालडा भी 160 रुपये किलो मिल रहा है। रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम बार बार बढ़ने से बहुत से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। अभी ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले समय में रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में और तेजी की आशंका जताई जा रही है। बीते एक माह में रिफाइंड के दामों में 25 रुपये लीटर की तेजी आई है। इसी तरह सरसों के तेल के दाम में भी 40 रुपये तक बढ़े हैं। जनता सिनेमा रोड निवासी सोनी देवी ने बताया कि महंगाई से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच अब भी कुछ लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। इसको लेकर पूरे राज्य में बिहार पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के अनुसार हर दिन करीब 4000 लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा जा रहा है। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 1 मई से अब तक यानी कि कुल 13 दिनों में करीब 45,000 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। अब तक 20 लाख से अधिक का जुर्माना केवल मास्क नहीं पहनने वालों से बीते 13 दिनों में वसूला गया है। वीरपुर जेल में तबीयत खराब होने पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को DMCH लाया गया है। शाम करीब 6 बजे DMCH लाए गए जाप अध्यक्ष को ICU में बेड उपलब्ध नहीं होने पर बगल के कमरे में भर्ती किया गया है,
जानकारी के अनुसार उनको किडनी व पेट में दर्द की शिकायत है, साथ ही वे डायबिटिक भी हैं। भारी सुरक्षा के बीच शाम में यहां लाए जाने पर वे व्हील चेयर की मदद से अस्पताल के अंदर पहुंचे। बिहार में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के कारण 5 अप्रैल से ही कक्षा 2 से 10वीं तक के बच्चों को कैचअप कोर्स की पढ़ाई कराई जानी थी। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जा सकेगी, जिस पर कैचअप कोर्स से जुड़ी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ई लाइब्रेरी पर कैचअप कोर्स की सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण हुई स्कूल बंदी के कारण छात्रों की पढ़ाई में काफी बाधा हुई है। इस क्षति की भरपाई के लिए एसटीईटी द्वारा विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम की मदद से शिक्षण सामग्री तैयार की गई है, जिसे ई लाइब्रेरी पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।